टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम पढ़ेंगे फेज रिवर्सल ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज इन सी एम्पलीफायर। मीन्स सी एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष कला उत्क्रमण। आप ये कह लीजिए कि जो आउटपुट वोल्टेज इसमें मिलता है वो इनपुट वोल्टेज के जस्ट रिवर्स होता है, उस मतलब कि 180 डिग्री शिफ्ट पे मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सीए एम्पलीफायर में जानते हैं कि अगर आउटपुट में आप केवीएल लगाते हो तो उसका इक्वेशन VC = VCC - ICRC आता है। ठीक है, जब एम्पलीफायर में कोई AC इनपुट नहीं दी जाती है तो आपको पता है जब एम्पलीफायर में कोई AC इनपुट भी आप नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे DC वोल्टेज ड्रॉप ICRC तो होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप एम्पलीफायर को AC इनपुट वोल्टेज देते हो, जैसे एम्पलीफायर को अगर आप इनपुट AC वोल्टेज देते हो तो आपको पता है कि इनपुट AC वोल्टेज के केस में एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जब होता है ट्रांजिस्टर, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो बेस और एमिटर के बीच में होता है और इनपुट करंट बेस करंट होता है। तो जब आप इनपुट वोल्टेज AC इनपुट वोल्टेज देते हो तो बेस करंट में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यदि इनपुट वोल्टेज बढ़ती है, मान लीजिए कि हमने जो इनपुट वोल्टेज दे दिए या वो बढ़ा हुआ, तो बेस करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब जब बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जिससे कि कलेक्टर करंट का मान भी बढ़ता है ना, बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाने के कारण कलेक्टर करंट की भी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, वही है ये वाला फॉर्मूला IC = βIB। ठीक है, इससे बढ़ जाता है। और लेकिन इससे क्या होता है, VC कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए -ICRC है। अगर ये IC की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा ना, तो डिफरेंस कम आएगा तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इससे ये पता चल जाता है कि इनपुट वोल्टेज को हमने बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज कम होती चली जा रही है। जितना ही इनपुट वोल्टेज हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे आउटपुट वोल्टेज कम होती जाती है, और यदि इनपुट वोल्टेज घटाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाती है। वो कैसे, देखिए अगर आप इनपुट वोल्टेज घटाते हो तो बेस करंट भी कम हो जाती जाए। ठीक है, अब बेस करंट डिक्रीज करेंगी तो IC भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ये देखिए, अगर मान लीजिए बेस करंट कम है तो IC भी तो डिक्रीज कर जाएगी। अब जब IC डिक्रीज कर जाएगी तो ये देखिए, अगर आप कम डिक्रीज IC की वैल्यू रखोगे तो इसका डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है वो क्या कर जाएगा, आपका कलेक्टर टू इंक्रीज एमिटर वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से VC में हुआ परिवर्तन डेल VC लोड पर आउटपुट AC वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलता है, RC, मतलब कि आउटपुट जैसे कि आपका रेजिस्टेंस RC हो गया, तो लोड में जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है RC और डेल IC, क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और नेगेटिव का मतलब ही होता है कि वो फेज रिवर्सल है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है, क्योंकि एक बढ़ा है तो एक घट रहा है, ये मतलब दिखाता है। अतः सी एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। बाकी जो CC कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और अगर मान लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो उसमें फेज रिवर्सल नहीं होता है, यानी कि उसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना, यानी कि उसमें जैसा इनपुट देते हो वैसा आउटपुट मिलता है, बट सी कॉन्फ़िगरेशन में फेज रिवर्सल होता है। तो ये तो था फेज रिवर्सल। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाइब्रिड मॉडल में, जब ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल का लेक्चर हुआ था तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हमने फाइंड नहीं की थी, जैसे वोल्टेज गेन ऑन हो गया, तो वो चलिए हम लोग थोड़ा सा फाइंड करते हैं। देखिए ये देखिए, आपको पता है हाइब्रिड मॉडल का प्रयोग करके आपने इक्वेशंस फाइंड करी थी, VI = HII1 + HRV0, ये पहला इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन I0 = HFI + H0V0। ठीक है, अब आप जानते हो आउटपुट वोल्टेज, चूँकि सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज पता होता है आउटपुट करंट और लोड में के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है, तो RL। ठीक है, और माइनस, क्योंकि फेज रिवर्सल के कारण माइनस लगते हैं, और HI, HR, HF, H0, ये क्या आपके H पैरामीटर्स हैं। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V0 इन इक्वेशंस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस V0 की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखेंगे। चलिए ठीक है, रख लीजिए। तो I0 = HFII और माइनस, क्योंकि यहाँ पे V0 की जगह माइनस I0 RL रखोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -H0 I0 RL। ठीक है, अब क्या करोगे, I0 वाले टर्म्स को एक साथ में रखोगे, तो इधर हमने ट्रांसफ़र किया, तो I0 + H0 I0 RL = HFII। फिर हमने क्या किया, दोनों में से I0 को कॉमन कर लिया, जब I0 को कॉमन करोगे तो 1 + H0 RL = HFII। अब I0 / II, यानी कि इस I को
क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है एच एफ करा और ये वाली वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको पता होता आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जब रेशियो निकालते हैं तो वो आपका करंट गेन होता है, जिसको ए आई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू एच एफ अपॉन वन प्लस एच नॉट आर एल। तो ये तो था करंट गेन का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए एच नॉट को हम नेगलेक्ट मानते हैं तो उस समय ये पूरा टर्म्स आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ए आई यानी करंट गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एफ हो जाएगी, एच एफ के बराबर हो जाएगी, फॉरवर्ड करंट रेशियो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर्स पढ़ेंगे वोल्टेज गेन के बारे में, कि मतलब किस तरीके से हम लोग एच पैरामीटर्स में वोल्टेज गेन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है इनपुट वोल्टेज का देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है एच आई आई वन प्लस एच आर वी नॉट। अब हमें क्या करना है, आई नॉट अपन आई आई जानते हो आप यहाँ से, ठीक है, आई नॉट अपन आई आई इज इक्वल्स टू एच एफ अपन वन प्लस एच नॉट आर नॉट आर एल होता है। ठीक है, आई यहाँ से आई वन की वैल्यू फाइंड करोगे तो आई नॉट, आई नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अपॉन एच एफ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आए हुए हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इक्वेशन फाइव हो गया। अब आप जानते हो बच्चों वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट आर एल। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एल, तो ये इक्वेशन सिक्स हो गया। अब इस आई नॉट की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन फाइव में रखेंगे। इस आई नॉट की वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन फाइव में रखो, चलो ठीक है रखो। आई वन इज इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट अपॉन आर एल, माइनस वी नॉट अपॉन आर एल। ठीक है, वन प्लस एच नॉट आर एल अपॉन एच एफ, ये आई वन की वैल्यू आएगी इक्वेशन सेवन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन फर्स्ट, इस आई वन की वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए अगर आप इक्वेशन रखो तो वी आई, एच आई की वैल्यू कितनी एच आई, और आई वन की वैल्यू यहाँ पे आई वन है ना, आई वन की वैल्यू क्या रखा है आपने, माइनस वी नॉट अपॉन आर एल वन प्लस एच नॉट आर एल एच एफ, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये है एच आर वी नॉट, एच आर वी नॉट हमने रख दिया। अब देखिए करना क्या है, वी आई इज इक्वल्स टू ये माइनस आप क्या कर ले रहे हो, पहले माइनस इसी का टर्म्स है ना, ये माइनस इस पूरे का ही टर्म्स है, माइनस एच आई वन प्लस एच नॉट आर एल वी नॉट, ऐसे आप लिख सकते हो, अपॉन एच एफ आर एल प्लस एच आर वी नॉट। ठीक है, वी आई इज इक्वल्स टू दोनों टर्म्स में आप देखो कि वी नॉट कॉमन है, तो वी नॉट मैंने दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हमने कॉमन कर लिया, तो इसमें क्या बचे, माइनस एच आई रिमेनिंग, तो माइनस एच आई वन प्लस एच नॉट आर एल, फिर एच एफ आर एल प्लस एच आर, ये रिमेनिंग टर्म्स जो बचे उसको ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, वी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट, अब यहाँ पे देखो बच्चों हमने एलसीएम वाला ऐसे फ्रैक्शंस पे सॉल्व किया है, जिस तरीके से एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो ठीक है मैंने इसको सॉल्व किया, एच एफ आर एल और ये टर्म्स लिखा प्लस एच एफ आर एल एच आर, ठीक है कर लिया। उसके बाद देखिए बच्चों मैं क्या करूँगी, माइनस को कॉमन करूँगी, जब मैं माइनस को कॉमन करूँगी ना वी आई इज इक्वल्स टू इस माइनस को क्या करूँगी, मैं कॉमन कर लूँगी, तो चलिए माइनस को कॉमन कर लिया, मैंने माइनस को कॉमन कर लिया तो बचा क्या एच आई वन प्लस एच नॉट आर एल। जब आप माइनस को कॉमन करोगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएंगे, बाकी वही सब चीज़ें मैंने कॉपी कर दी है जैसा कि यहाँ पे इक्वेशंस में दिखाया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एच एफ आर एल वी आई के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एच आई वन प्लस एच नॉट आर एल माइनस एच आर एफ एल आर एल। ठीक है, V नॉट अपॉन वी आई, यहाँ से V नॉट अपॉन वी आई करोगे तो ये तो एच एफ आर एल बचेंगे, और माइनस को भी हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी रिमेनिंग आपके डिवाइड हो गए, ये भी क्रॉस मल्टी, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, अपॉन एच आई वन प्लस एच नॉट आर एल कर दिया सॉल्व, V नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू माइनस एच एफ आर एल अपॉन, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया और इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एच आई का वन से मल्टीप्लीकेशन, एच आई प्लस एच आई एच नॉट आर एल माइनस एच आर एच एफ आर एल। ठीक है, वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू माइनस एच एफ आर एल इज अपॉन एच आई प्लस, इन दोनों को क्या इसमें से कॉमन आर एल लिया और बचे क्या एच आई एच नॉट माइनस एच आर एच आर। तो ये तो था वोल्टेज गेन, इसी तरीके से और भी पैरामीटर्स है उसको आप सॉल्व करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।